ये रहा। रात की बज रहे हैं 2:30 और यहाँ मच्छर भगाओ अभियान स्टार्ट है। इतने ढीठ मच्छर हैं कि इनका कुछ नहीं कर सकते। ऑल आउट लगा हुआ है, मच्छरों का हो चुका है आतंक और मच्छरों से सुबह लड़ाई। रात के बज रहे हैं 2:30 2:30 बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 2:30 और फुल फाइट चल रही है। तो कोरोना वायरस के साथ हम भी वॉरियर्स हैं, मच्छर वॉरियर्स। अब मुश्किल हो रही है लेकिन वी आर द वॉरियर्स, तो हम मच्छरों को मार के ही दम लेंगे वरना मच्छर हमें मार देंगे। लेट्स सी आज का स्कोर हुआ है, देखा आज का स्कोर है, अभी तक मार चुका हूँ 20 और मुझे करना है एनकाउंटर 56 का, तो अब तक 56 बनना है। देखते हैं हाउ इट गोस, बताते रहेंगे आपको। तो देखते रहिए मच्छर वॉरियर्स। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं धोनी को छत पे दिखा के आ चुका हूँ दूर, और अब ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे जो भी करना होगा। रात भर मच्छरों से लड़ाई नहीं लड़ी है, तो सुल्तान साहब अब थोड़े थक चुके हैं। और ये देखिए, हेलो फ्रॉम धोनी साहब, धोनी से हेलो, से हेलो, हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो धोनी भी आज थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर डेज धोनी थोड़ा सा कम परेशान किया रात को। तो बाकी आज का दिन देखते हैं, ऑफिस ज्वाइन करेंगे, डेली टास्क जो भी हैं ऑफिस, थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा टायरिंग हो रहा है मेरा वर्क पर, ये भी एक प्रकृति का नियम है। तो आज हम बना रहे हैं आलू बीन्स कुछ नए स्टाइल में, यूजिंग मैगी मसाला एंड हींग एंड कुछ डिफरेंट कुक बताएंगे आज। तो ये हमने डाल दिया इसमें जीरा, और ये हमने पहले ही प्याज चॉप करके रखा है, और प्याज को भी इस स्टाइल में काटा है। एनी स्पेसिफिक रीजन कि हमने ऐसा क्यों काटा है? और थोड़ा सा लहसुन डालेंगे, लहसुन हम कूट के डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर अच्छे से आता है। अच्छा, तो ये फ्लेवर ऐड ऑन करने के लिए हम लहसुन को कूट के डाल रहे हैं, अदरवाइज आप उसे चॉप करके भी डाल सकते हैं या फिर मिक्स में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये प्याज का हमें कब तक वेट करना है? लाइट ब्राउन है। तो आई थिंक कि प्याज अब हो चुके हैं थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन, तो लहसुन तो हम पहले भी डाल सकते थे प्याज के साथ, तो हमने प्याज के साथ क्यों नहीं डाला इसे? प्याज के ब्राउन होने तक लहसुन भी ठीक से ब्राउन हो जाएगा। और एक चीज़ हम और ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग, हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो हींग जी हमें ऐड करना चाहिए अपने हींग में। अच्छा, अब इसको हल्का सा सौते करेंगे, फर्स्ट और ब्राउन हो जाएगा। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें मैश्ड पोटैटो, मैश नहीं है सॉरी, ये स्लाइस पोटैटो, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो सब्जी में जो कच्चे नहीं रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इनको
तो इसको हमने नॉर्मली वैसे क्यों नहीं करा? ये चॉपर में अच्छे से चॉप हो जाता है। टमाटो जो है जब पूरा रस निकाल लिया जाएगा बख्शा नहीं जाएगा। तो व्हाट्स नेक्स्ट? या सारे मैं अभी नमक कम डाल रही हूँ, कम क्यों डाल रही हूँ अभी बताऊंगी। हल्दी धनिया पाउडर रेड मिर्च में ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे भी खाना है और मेरे लिए अभी रेड मिर्च अलाउड नहीं है। और ये मैंने नॉर्मल मसाला डाला है। जो स्पेशल हमारे इंग्रेडिएंट है फॉर दिस आलू बीन्स वो है दिस मैगी मसाला। सो दिस इज आवर स्पेशल इंग्रेडिएंट। और नमक मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी सॉल्ट होगा। अच्छा तो वो बहुत ज़्यादा होता है। गुड गुड कम डाला इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा पकने का। तो बीन्स पतली चॉप करना इज ऑल्सो ए फैक्टर इन द टेस्ट। और फीलिंग आ रही है कि अच्छा बनेगा, देखते हैं बाकी खाने में पता चलेगा। तो अभी इसको गैस पे रख देते हैं थोड़ी देर और थोड़े टाइम बाद इसको बंद करेंगे गैस को, फिर आपको बताते हैं कैसा बना है। तो गाइस धोनी 3-4 दिन से कहीं ना कहीं धूप पीने के बाद हमेशा थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम, जो हमें लग रहा है कि शायद इट कैन बी गैस्ट्रिक इशूज़। तो हैं तो इसके 3 सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे कि हम उसकी पेट पे नाभि के साइड में सर्किल में हींग का पेस्ट बना के मालिश करेंगे तो इससे भी आराम मिलता है। नंबर 2 हम ऑयल मसाज करेंगे जो कि एक वे में होता है, उसके थ्रू भी आपको आराम मिल सकता है। और तीसरा अगर इससे नहीं होता लास्ट ऑप्शन भी मेडिसिन, तो वो भी है। तो देखते हैं। ये रो रही है, कुछ तो इश्यूज हैं और जहाँ तक हमें लग रहा है शायद ये गैस्ट्रिक इश्यूज हैं। तो गाइस फाइनल रिजल्ट्स आर हियर। और अब से खास ओके ठीक है। तो गाइस अब हम धोनी के लिए हींग का पेस्ट बना रहे हैं जो कि गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए होता है। तो गाइज अब हम अपना सॉल्यूशन नंबर 1 अप्लाई करने वाले हैं जिसमें कि हम हींग की मसाज करेंगे। और जैसे कि हमने दिखा दिया कि पेस्ट हमने बना लिया है और अब हम धोनी को रेडी कर रहे हैं हींग की मसाज के लिए। हींग का पेस्ट है जो हमने बनाया था, तो हम अप्लाई करेंगे धोनी की तरह में पहले हम क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे और फिर थोड़ा सा एंटी क्लॉक। हो गया।
हिंग हमने अप्लाई कर दी है, थोड़ी सी पैरों की इसको मूवमेंट करेंगे ताकि जो गैस है वो थोड़ी सी निकल जाएगा। ऐसे तो गाइज आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को यहीं पे करते हैं और अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए, मास्क पहनिए, अननेसेसरी बाहर मत निकलिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं। तो मैं लेके आता रहूँगा नए नए ब्लॉग्स रोज़ आपके सामने, तब तक के लिए मेरे चैनल को बने रहिए और चैनल को प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बैक स्लैश शो साइनिंग ऑफ।